तीन घंटे में इतनी सारी तैयारी करनी है कि आपकी सोच है, तो इसलिए एप्पल फ्रेश 1,31,000। पाकिस्तान का झंडा आपको नजर आ रहा होगा। माशाल्लाह मेहनत हो रही है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर स्पेशल व्लॉग। ओए ओवर हो गया। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर स्पेशल व्लॉग। अल्हम्दुलिल्लाह आज रमजान का 12वां रोज है और सैटरडे का दिन है, और आज का व्लॉग स्पेशल इसलिए क्योंकि आज आपके भाई ने इफ्तार पार्टी रखी है अपने कोरियन हाउस में। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने सब अपने सब दोस्तों को, जो भी मेरे आसपास करीब रहते हैं, करीब करीब दोस्त, उनको मैंने इनवाइट किया है, तो वो आने वाले शुरू होंगे। और मसला ये है कि अभी तक मैंने बिल्कुल भी कुछ भी नहीं किया, मतलब कि सिवाय मैंने फ्रोजन चिकन जो है वो फ्रीज़र से निकाल के बाहर रखी, उसके अलावा एक काम भी नहीं किया। और अभी जहर की नमाज़ हो गई है, तो तीन बज चुके हैं और टाइम मेरे पास 3 घंटे, और 3 घंटे में इतनी सारी तैयारी करनी है कि आपकी सोच है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। पीछे आपको मेरा घर नज़र आ रहा होगा। जिसने कोरियन हाउस टूर वाला व्लॉग नहीं देखा वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो अभी जाके हाउस टूर वाला व्लॉग देखें और मुझे बताएं कि आपको मेरा घर कैसा लगा। तो चलिए अभी मार्केट की तरफ चलते हैं। मैंने आपको जो है हलाल मार्केट के भी रेट्स बता दिए, उसके अलावा कोरियन लोकल मार्केट के भी रेट्स बता दिए रमज़ान के व्लॉग्स में। तो आज मैं आपको लेके चलता हूँ कोरियन मार्ट पर, जो यहाँ पर बड़े मार्ट होते हैं हर एरिया का, अपने एरिया वाले मार्ट पर लेके चलता हूँ और वहाँ के रेट्स भी आपको बताता हूँ कि मार्ट्स पर क्या रेट मिलता है। तो टाइम बहुत कम है, बहुत सारी तैयारी करनी है, तो चलिए चलते हैं। अच्छा गाइज, तो अभी मैं पहुंच गया हूँ मार्ट पे, टॉप मार्ट इसका नाम है, और इसके मैं यहाँ पे इसी वजह से आया क्योंकि इसके बराबर में डाइसो है, और डाइसो के थोड़ी सी आगे जाके वॉकिंग डिस्टेंस पे पाकिस्तानी हलाल फूड शॉप भी है, तो इसीलिए तीनों काम मेरे एक ही जगह से हो जाएंगे, इसीलिए मैं आ जाऊँ टॉप मार्ट पे। ये इसका एंट्रेंस है, ये देखें कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं, सब लोग यहाँ से सामान लेने आए हैं, अभी हम भी यहाँ से सामान लेते हैं और ये खाते हैं हम भी। चलिए चलते हैं, बहुत ज़्यादा सामान लेना है यार। एप्पल की सेल लगी, हमने एप्पल लेना है, एप्पल हमारे इसमें जाएंगे, रशियन सैलेड में जाएंगे, तो इसलिए एप्पल हमें चाहिए थे। एक एप्पल हो गया, फुलजा सिम सिम, ये देखें जी। अच्छा, इसकी प्राइस ही 8,900 won, तो वो कितनी होगी वो मैं आपको बता दूंगा। बनानास मुझे चाहिए, इसकी बनानास की प्राइस है 3,980 rupees, ऑलमोस्ट फॉर समझ लो कि 40,000 है। बनानास ले लिया, एप्पल लिए हैं, मैंने उठा भी लिए हैं, और ये यहाँ पे ये और सामान भी है, कीवीज़ हो गया, एवोकाडो हो गया, और ये डिफरेंट डिफरेंट देखें प्राइसेस लिखी हुई हैं सामने, ये सारी प्राइसेस लिखी हुई हैं इनके। यहाँ पे लेमन मुझे चाहिए थे, ये लेमन, हाँ इतने सारे ठीक रहेंगे, ये ले लेते हैं, ये फ्रेश। इसकी प्राइस थी 3,980 rupees। इस तरह के मार्ट्स पे, क्योंकि बड़े बड़े मार्ट होते हैं ना, तो इन पे सेल लगी होती है, तो इसलिए यहाँ पे इतनी रश होती है। देखें आज कितनी रश है माशाल्लाह। तो अभी ये फ्रूट हैं, मुझे ये चाहिए, तेज़ हैं, आई थिंक ये वाली तेज़ हैं, इस पर लिखा होता है एक्चुअली, हाँ छोंगयांग गोचू, मतलब तीखी मिर्च होती हैं ये छोंगयांग वाली। तो एक ये आ गई है यार, ये कम पड़ेगी, दो लेता हूँ ये, ये बिरयानी बनानी है और फिर बाद में भी इस्तेमाल, घर में रखी है थोड़ी सी, ठीक है एक ही ठीक है। अरे बहुत टेंशन होती है यार कुछ सामान ले ना जाए, क्योंकि मैं लेट भी हो चुका हूँ ना, तो इसलिए जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है। अदरक मुझे चाहिए, हाँ लहसुन पड़ा है मेरे पास, अदरक मुझे चाहिए, अदरक ये रहा 2,180 rupees का, 150 ग्राम। चलिए ये ग्रेप्स हैं, लेकिन यहाँ पे ये सस्ते लगे पड़े हैं, मुझे ये एक उठा लेते हैं, ये बहुत मीठे होते हैं यार ये वाले अंगूर। अच्छा ये हो गया, उसके अलावा ये ब्लू बेरीज आ गई, बेरीज सस्ती हैं 4,500 rupees की, एक ये ले लेते हैं यार। आज माशाल्लाह काफ़ी फ्रूट सस्ता लगा पड़ा है, तो फ़ायदा हो गया यहाँ पे आने का। ये सब्जियाँ लगी हुई हैं यहाँ पे, देखें ये शिमला मिर्च, शिमला कहते हैं, हाँ शिमला ही कहते हैं आई थिंक। ये स्ट्रॉबेरीज आ गई, स्ट्रॉबेरीज नहीं, स्ट्रॉबेरीज ख़राब हो जाती हैं, दो चाहिए ये ना, ये बड़ा भी है लेकिन मैं दो छोटे ले लेता हूँ, 4,280 rupees की इसकी प्राइस है एक की, तो ये मुझे दो चाहिए, तो ये मैं दो ले लिए। आलू मुझे चाहिए 1 किलो आलू, और आलू की प्राइस हैं 4,980 rupees, तकरीबन सेल ही है कि प्राइस लगी 3,980, 4,980 ऐसी प्राइस लगी हुई है। आलू मैं दो लेता हूँ, मैं बताता हूँ, इसलिए एक मुझे रशियन सैलेड में भी चाहिए होगा, और एक ये गाजर मुझे चाहिए, गाजर आप अपनी मर्ज़ी से भी उठा सकते हो यहाँ पे, वो छिली वो साफ़ है वो उठा लेता हूँ मैं, क्योंकि टाइम कम है, ये धुली हुई है देखें, मैं छोटी छोटी गाजर मुझे चाहिए, ये वाली गाजर की प्राइस है 4,480 rupees, ये देखें ये भी आ गई। इसके अलावा ऑयल मुझे चाहिए, क्योंकि मैंने
फ्राई करना है। ऑयल 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 ये ले लेता हूँ। ऑयल की प्राइस है 6,980 रुपये। ये 80-80 लगाया हुआ हर किसी के एंड में इन्होंने। अब ना मुझे मायनीज लेनी है, मायनीज और फ्रेश क्रीम। अब वो मुझे वो दूध वाले सेक्शन से मिलेगी, चलो वहाँ पे चलते हैं। ये लामियन देखें, कितनी सारी लामियन रखी हुई हैं। ये कॉफ़ीज़ कोरिया के अंदर, जैसे हमारे कंट्री में पाकिस्तान या इंडिया में चाय चलती है, बांग्लादेश में यहाँ पे कॉफ़ीज़ चलती हैं, तो यहाँ पे कॉफ़ीज़ लगी हर जगह पे। अब मुझे यहाँ से दूध लेना है, कुछ दही लेनी है 2 किलो, 5,480 डिफरेंट रकम लिखी हुई है ये देखें, क्योंकि अलग अलग कंपनीज़ के हैं तो प्राइसेस भी अलग अलग। 4,980 का ये मुझे चाहिए एक चाय शाय बनाने के लिए। चाय के लिए ये दूध बहुत ज़बरदस्त है, ये वाला सिर्फ चाय के लिए, पीने के लिए नहीं, सिर्फ चाय के लिए बोल रहा हूँ मैं। दही मुझे चाहिए, दही की प्राइस है 3,780 रुपये। वो जो फ्रेश क्रीम है वो तो मुझे मिल नहीं रही है, वाइपिंग क्रीम मिल रही है, और ये उठा लेते हैं। खैर एक ही आ गई, दो ये ले लिए मैंने वाइपिंग क्रीम। मार्ट पे आने का यही फ़ायदा होता है ना कि आपको बहुत सारी चीज़ें एक ही जगह से मिल जाती हैं। कोल्ड ड्रिंक मुझे चाहिए, स्प्राइट 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 वेरी स्प्राइट स्प्राइट, इसलिए मैंने लेमन मार्गरिटा बनाना है। ये स्प्राइट रखी है और स्प्राइट की प्राइस है 28,000 रुपीज़ 1.5 लीटर की। एक दो तीन, इतना सारा सामान हो गया। ये मैंने घर भी लेके जाना है, इसकी सारी ये सारा कुछ बनाना भी है, बहुत मुश्किल हो रही है बॉस। यार एक मसला हो गया, ओह मिल गई मिल गई, मायनीज नहीं मिली थी मुझे, वो मिल गई, लेकिन दे देता है बंदा। एक ये मायनीज आ गई है, चलो जी ये आ गई मायनीज भी आ गई, फ्रेश क्रीम, मटर रहती है, मटर लेनी है। यार सामान मैंने ले लिया, जो भी मैंने लेना था कुछ रह गया होगा, अब अल्लाह मालिक है। तो अभी जो है इसका मैंने खेसान करवाना है, खेसान कहता हूँ, हिसाब करवाना है, हिसाब करवा के मैंने जाना है। बहुत ज़्यादा सामान है जो कि तो हिसाब करवाते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ टोटल कितना बिल बना मेरा। तो टोटल बिल जो मेरा बना है वो बना है 1,31,000। अभी मैं यहाँ से मार्ट से मेरा सामान ले लिया, बहुत जल्दी जल्दी में लिया है, कुछ मिस भी हो गया होगा। अब ये जो जगह है ना स्पेस, ये स्पेस है कि आप अपने सामान को बॉक्सों में डाल के यहाँ से टेप वगैरह कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ से अपना सामान करता हूँ। तो यार ये मार्ट से सामान मैं ले लिया, अब जो सामान मैं लेना है वो डाइसो से लेना है। तो अभी डाइसो पे चलते हैं, डाइसो से मैंने सारा डिस्पोजेबल सामान लेना है, क्योंकि हर चीज़ वहाँ पे इस्तेमाल जो भी होनी है वो सारा यहीं से ले लूँगा, बाद में बर्तन धोने की टेंशन नहीं होती। अभी मैं आया हूँ डाइसो की शॉप की तरफ, यहाँ से उठा लेते हैं हम ये और सीधा चलते हैं वहीं पर जहाँ पर डिस्पोजेबल सब कुछ रखे होंगे। अब अच्छा जी, डिस्पोजेबल प्लेट्स बंदा ले लेता है। अच्छा मेरे ख्याल से ये मुझे थोड़ी सी और चाहिए होंगी, कहाँ गई, तीन और ये चार कर लेते हैं। अभी मुझे याद भी नहीं आ रहा मैंने क्या क्या लेना है डाइसो से ना। ये तो हो गई, हाँ स्पूंस लेनी है, देख कर ये मेरे सामने रखी थी, ये देखें ये प्लास्टिक वाली ने, ये 1,15 है और ये 2,30 हो गई है। और ये चाहिए थी ये थोड़े से ठीक साइज़ के होना, ये वाले ठीक लग रहे हैं, 1 और ये 2 ये हो गए। ये भी चाहिए, ये बंदा इसके अंदर पकौड़े शकौड़े डाल के रख देते हैं सबको आगे। ये सामान मुझे चाहिए था यार, यहाँ से भी तकरीबन मैंने सामान ले लिया है, और कुछ चीज़ रह गई हो तो अब रह गई, क्योंकि एक चीज़ मुझे लग रही है वो रहती है शापर, हाँ मुझे याद आई शापर, लेकिन वो मिल नहीं रही मुझे, लेकिन खैर अभी चलते हैं ऐसे ही। और ये सारा सामान है, क्योंकि अभी एक और जगह जाना है, वहाँ से भी कुछ सामान लेना है, तो इसका भी बिल करवाते हैं और फिर चलते हैं। अच्छा जी 12,700 रुपये मेरा जो है यहाँ से बिल बनाया, और डाइसो का फ़ायदा ये होता है ये बहुत सस्ता है यार, बहुत सस्ता है। अभी मैंने इतना सामान लिया है, सिर्फ 12 कुछ बनाया, अभी मैंने सिर्फ जो है ना हलाल स्टोर से राइस लेना है और पुदीना वगैरह लेना है, उसके अलावा धनिया वगैरह लेना है, बस यही चीज़ें हैं, बाकी तो सब कुछ हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। खजूरें लेनी है मेन चीज़, हाँ खजूर सामान रखो, देखो पीछे से मेरा भर गया है। अब मसला पता है क्या है, सामान तो चलो मैंने ले लिया, अब सारा मसला है इसको बनाने का, बनाने में बहुत टाइम। अभी हम पहुंच गए, ये सामने ही जो है शॉप है हलाल मार्ट, एशिया मार्ट, पाकिस्तान का झंडा आपको नजर आ रहा होगा, मैं दिखाता हूँ। ये मेरे शहर में एशिया मार्ट है, और इसमें पाकिस्तान की, ये पाकिस्तानी भाई का मार्ट है, रशीद भाई का नाम है, और
अभी हम अंदर चलते हैं, अंदर से सामान लेते हैं ज़रूरत वाला। अच्छा ये खजूर ठीक है। अच्छा इन खजूर के ये मैं आज इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर वो निकाला होता है, क्या कहते हैं, दाना जो होता है ना गिरी, वो निकली होती है, तो इसलिए ये खजूर लेते हैं। अब यहाँ से मैं चिकन लेना है। चिकन 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 एक खजूर, एक दो तीन, धनिया मुझे मिल गया है। नुना मिंत हिस्सा या मिंत मिंथ हिस्सा या ऑफ से इगन खेसा नहीं छिस या सात छः नौ बजे यार धनिया मिल गया। मिंट नहीं मिला, मिंट की खैर है, वो भाई के पास है, जफर भाई को मैंने कॉल किया, उनके पास है, तो धनिया मैंने ले लिया है। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह सारा सामान हो गया। अब मेन इशू ये है कि इतने सारे सामान बनाना भी है, आई मीन बिरयानी बनानी है, साथ में अल्लाह खैर करे पकोड़े बनाने हैं, रशियन सैलड बनाना है, चाट बनानी है, दही बड़े, तो बहुत सारी चीज़ें और बनानी है। जी माशाल्लाह से चेक करें कितना ज़्यादा सामान, एक दो तीन चार पाँच छः, छः नग, सात नग हैं। तो अभी ना मैं आस्ते आस्ते एक एक करके ऊपर रख के आ रहा हूँ, और आप लोगों ने ध्यान रखना कोई और मेरा ये सामान उठा के लेके ना जाए। तो ठीक है बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं यहाँ से एक एक करके। अगर मेरा सामान कहीं गया उसके ज़िम्मेदार आप ही, मैंने आपसे भरवाना है। ओके ओके जी सामान हो गया डन, मैं जाता हूँ ये आखिरी ऊपर लेके और मिलते हैं आपको से थोड़ी देर के बाद। अस्सलाम वालेकुम मुर्शिद आयन, अस्सलाम वालेकुम यार, ये क्या ज़हमत करते हो, अस्सलाम वालेकुम इकबाल, कैसे हैं, तबीयत ठीक है इलियास भाई, ये क्या है यार, अरे भाई ये तो मज़े हो रहे हैं। अरे राजा ये वापसी लेके जाने आप लोगों ने, जाहिद किधर है क्या, फोटो सेशन, अल्लाह हू अकबर, अस्सलाम वालेकुम, सादा दी नकल, सादा दी नकल, कोई चंगे चक्का में नकल नहीं करनी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे तो ठीक है, आए जी आए बिस्मिल्लाह, सारे एक ही साथ आ रहे हैं तो है। ये किसका बैग है, इस ये फुटबॉल किसका पड़ा है, ओए ये कहें जो भाऊ, अस्सलाम वालेकुम, बड़े राम आना था, ठीक ठाक वालेकुम, ये क्या कर रहा था, बस पकौड़े थोड़े यहाँ, थोड़े यहाँ, अच्छा थोड़े खा रहा, बिरयानी भी है ना, वो हो गया। जी मैं काफ़ी देर के बाद अभी जो है ना ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बहुत बिजी था, बहुत सारे काम थे वो करने थे। अभी तकरीबन ऑलमोस्ट सारे दोस्त भी आ गए और वो भी मेरी हेल्प करवा रहे हैं, काफ़ी सारा काम था। अभी देर मैं आपको दिखाता हूँ सारा क्या सीन चल रहा है। सफदर साहब ऑल द वे फ्रॉम सोल ये आए हैं खिदमतें करने, ये जो है रशियन से डाल हैं, साथ में उनके जाहिद भाई आए हैं भूसान से, ऑल द वे फ्रॉम द भूसान, अच्छा जी। फिर उसके बाद ये इकबाल भाई ऑल द वे फ्रॉम सियालकोट, कैसे हैं इकबाल भाई, ये मेरे साथ अभी नए नए भाई हैं, ठीक है। और उसके बाद अनवर भाई ऑल द वे फ्रॉम चिरियांग जिनियांग, अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, सखर यहाँ पे कोरिया में, जफर भाई जो है बिरयानी की जिम्मेदारी उठा ली, जफर भाई बिरयानी बना रहे हैं, आसिम भाई जो है वो फ्रूट वगैरह सीन कर रहे हैं, ठीक है, आपके भाई इंजॉय कर रहे हैं। रश्मि ये देखें जी पकोड़े आपका भाई बना रहा है, ठीक हो रहे हैं, ये वो क्रिस्पी वाले नहीं बनते, ये वो वाले बनने लग रहे हैं, ये देखें जी बिरयानी, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, मेहनत हो रही है, बोस खीर भी चलेगी, बोस चाट भी चलेगी, इलियास भाई बैठ जाए जाई, बस हो गया तकरीबन सारा सिस्टम माशाल्लाह। ये सेलिब्रिटीज आ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, कैसे हैं, तबीयत ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, सामने मार दिया, मैं बस उस टाइम पे याद नहीं था, अभी याद है, ये सबको दे देना, पकोड़े दो दो रखने हैं फिलहाल, हो गई अजान शुरू करें, सुन ले जी भाई, हो गया इधर मेरे पास, अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यिदना, सीन चेक करें माशाल्लाह कितना प्यारा मौसम हो रहा है।
सामने चांद है, ये सामने व्यू नज़र आ रहा है, ये गली है मेरी पुरसकून, और अल्हम्दुलिल्लाह ये सब भाई यहाँ पे नमाज़ पढ़ रहे हैं, फर्ज नमाज हो गई, अब सब जो है ना सुन्नत पढ़ रहे हैं। वड़े के दिखाएं तुम भाऊ ज़फ़र भाई वाला अंदर, ये पाकिस्तान का झंडा है, ये देखें माशाल्लाह, ये ज़फ़र भाई मिनी व्लॉग बना रहे हैं, दो बिरयानी दम पे चल रही हैं। हाँ ठीक है, हाँ दम पे चल रही हैं। बहुत आसिम भाई थैंक यू यार, आपने बहुत काम कराया सीरियसली यार आसिम भाई, ज़फ़र भाई थैंक यू सो मच। अच्छा जी अल्हम्दुलिल्लाह अफ्तारी हमने कर ली है, पीछे व्यू चेक करें कितना प्यारा आता है रात के टाइम मेरे घर से, और अभी हमने अफ्तारी कर ली, अभी बिरयानी वगैरह की तैयारी हो रही है, बिरयानी के लिए सब जो है लगे पड़े हैं, अनवर भाई यहाँ बैठे हैं, बाकी मेरे दोस्त बाकी सारी सेहत मेरी यहाँ बैठी है यहाँ पे, और उसके अलावा जो है यहाँ पे ये बिरयानी बन रही है, बिरयानी अभी बिरयानी में थोड़ा सा टाइम रहता है, बिरयानी बनने के बाद बिरयानी खाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा सीन रहा यार। अच्छा ये तो हो गया अफ्तारी, मैं एक मैसेज देना भूल गया आप लोगों को, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी में सारा काम किया हमने, तो कुछ भी बात वगैरह नहीं कर सके आपसे इतनी, तो मैं कह रहा था यार शुक्र अल्लाह पाक का, देखें अल्लाह पाक ने हमें इतना नवाजा है, इतना हम सब लोग जो है घरों में बैठ के अफ्तारी कर रहे हैं, अपने अपने घरों में सुकून से रह रहे हैं, तो यार इस वक्त में हमें जो है ना जो हमारे फ़लस्तीनी भाई हैं गाज़ा वाले भाई हैं उन पर जो जुल्म हो रहा है, जो जेनोसाइड कर रहे हैं, तो उसके लिए जो है ना सब मिल के दुआ किया करें, रमज़ान का महीना है, जितना हो सके उनके लिए दुआ किया करें, और कुछ नहीं कर सकते तो दुआ ही एटलीस्ट हम कर सकते हैं, तो दुआओं में उन्हें याद रखा करें यार, वो बेचारे इस रमज़ान जैसे महीने में इस तकलीफ़ से गुजर रहे हैं, तो अल्लाह पाक उनके लिए आसानी करे और जो है इसराइल को हिदायत दे। ठीक है अभी जो है थोड़ी देर के बाद हम खाना खाएंगे, तो बिरयानी भी आपको दिखाएंगे, बिरयानी भाई ने बनाई है तो वो भी आपको दिखाएंगे। भाई बिरयानी खुल गई है, बाबा जी बिरयानी बन रही है। हाँ जी वो बंदा टीएलपी के है। अस्सलाम वालेकुम। आपका वो हलवा सोल हो गया जाने की तैयारी हो गई है कुछ दोस्तों की, ये सारे अब एक दूसरे से मिल रहे हैं माशाल्लाह यार, बहुत रौनक लगी रही कि कासिम भाई चलें फिर, अभी हम लोगों ने जाना है, अभी हम लोगों ने थोड़ी सी स्नोकर खेलनी है, इशा की नमाज हो गई, अब थोड़ी सी जाके स्नोकर वगैरह खेलेंगे। ये हमारे दोस्त आए इनके साथ हमने खेलनी है, चल शेरा भाई एक गेम मैं और ज़फ़र भाई तो जीत गए हैं, अभी ये सफदर वालों की चल रही है उनके साथ, मिरियांग वाली टीम के साथ एक मैच चल रहा है, अब देखते हैं इनमें से कौन जीतेगा, हम लोग जीत गए हैं एक गेम ज़फ़र भाई और मैं। वाह शॉट हो गई, शॉट हो गई। मुझे इतनी गेम खेलनी नहीं आती, लेकिन आज मेरे सितारे जो हैं सब लाइन में चल रहे हैं और माशाल्लाह से बहुत मज़ा आ रहा है, काफ़ी दिनों के बाद हम यहाँ पे खेलने आए रमज़ान के अंदर, काफ़ी दिन 2-3 महीने के बाद आएँ, लेकिन सही अच्छा मज़ा आ रहा है यार। ये था आज का व्लॉग, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ खैर खैरियत से हो गया, अल्लाह पाक कबूल करें अफ्तारी, उसके बाद हमने थोड़ी सी गेम खेली, लेकिन बहुत मज़ा आया आज का दिन, और उम्मीद है आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा, अगर आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया तो काइंडली लाइक कर दें, कमेंट करें और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।